हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी से 50 प्रश्न करने वाले हैं, और ये उत्तराखंड में होने वाले आगामी एग्जामों के लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा मोनाल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य पुष्प है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म कमल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। प्रश्न नंबर 3, आसकोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो दोस्तों मैं मोनाल का प्रिय आहार, मोनाल सबसे ज़्यादा क्या खाने में पसंद करता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा आलू। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड में कांचुल कर्क है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसके ऑप्शन चारों दिए हैं, और दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए क्या है, कांचुल कर्क। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 6, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 24 प्रजातियां हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 7, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, राज्य वृक्ष बुरांच में फूल लगने का समय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा बुरांच जो वृक्ष है इस पर कब फूल लगने प्रारंभ हो जाते हैं, फरवरी से प्रारंभ हो जाते हैं और अप्रैल आते आते क्या है लगभग समाप्त हो जाते हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, और हमारे उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 13 जिले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2007 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो उत्तराखंड कब स्वरूप में आया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड क्या है स्वरूप में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ, या पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा चक्राता विधानसभा सीट ST जनजाति के लिए आरक्षित है। और वर्तमान में जो दोस्तों चक्राता से विधायक है वो प्रीतम सिंह जी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 12, तो दोस्तों प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। तो कथन ए है, उत्तरांचल राज्य की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। और दोस्तों कारण है आर, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो दोस्तों हमें बताना है कि उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा ए सही, किंतु आर गलत है। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि उत्तराखंड राज्य में जो विधायिका है, विधायिका की कुल सदस्य कितने होते हैं 70, और जो अगला है कि राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। तो दोस्तों द्विसदनात्मक नहीं, एक सदनात्मक ही है, और द्विसदनात्मक वो होती है जहाँ पे विधानमंडल के साथ क्या होती है, विधान परिषद भी होती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा उत्तरांचल का एक उत्तराखंड का एक जिला नहीं है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग भी आपको पता है कि रुद्रप्रयाग भी जिला है, उधम सिंह नगर भी जिला है, और बागेश्वर भी जिला है। तो दोस्तों आपका क्या है, रुड़की जिला नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा क्या है, उत्तराखंड में या उत्तरांचल में, उत्तराखंड में क्या है, ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 15। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, कितने नगरों में नगर निगम है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले कितना था, 8, लेकिन अब वर्तमान में कितने नगर निगम है, 9। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के लिए, अगले प्रश्न की ओर, और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 16। उत्तरांचल के किस नगर निगम को कहा नगर प्रमुख? तो दोस्तों हमें ऑप्शन में से बताना है। इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख किसके द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 17। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा दीक्षित आयोग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि? तो दोस्तों उत्तराखंड जो राज्य है और राज्य की गठन की तिथि ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हमें पता है कि चंपावत भी जिला है, और बागेश्वर भी जिला है, और रुद्रप्रयाग भी जिला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बिजनौर जिला नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा 27वां राज्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर, तो दोस्तों अभी तक हमने अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 34। तो दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नैनीताल।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 24। राज्य उच्च न्यायालयों में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है, तो दोस्तों गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है, तो उत्तरकाशी भी गढ़वाल मंडल में है, रुद्रप्रयाग भी गढ़वाल मंडल में है और पौड़ी भी गढ़वाल मंडल में है। तो कौन नहीं है दोस्तों, बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं है, ये कुमाऊं मंडल में है। तो दोस्तों हमारे गढ़वाल मंडल में कितने जनपद है या कितने जिले हैं, तो दोस्तों गढ़वाल मंडल में 7 और 6 कहाँ है, कुमाऊं मंडल में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा, तो दोस्तों 2008 में महिलाएं जो पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी कर दी गई है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा 50% आरक्षण है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड पुलिस के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है, तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8000 से दोस्तों कितना 20,000 फीट तक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा शिव को चढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग, तो दोस्तों 2011 में उत्तराखंड राज्य में कौन सा नया विभाग सृजित किया गया, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 32। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत। उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा भी संस्कृत है और उत्तराखंड की द्वितीय भाषा भी कौन है, संस्कृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। तो इसको थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 और हमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो दोस्तों हमें दिया गया है कि हावला बाग कहाँ है, तो दोस्तों हावला बाग हो जाएगा सी का हो जाएगा दोस्तों, क्या सी का 4 हो जाएगा अल्मोड़ा, और अगर बात करें किसकी बी और बी का 1 होने वाला है उत्तरकाशी, और सी का होने वाला है दोस्तों 2 नैनीताल, और अगर हम बात करते हैं डी तो डी का होने वाला है दोस्तों 2 डी का 2 तो डी का होने वाला है 3 डी का होने वाला है हरिद्वार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 है कि
उत्तराखंड के सर्वाधिक वो सबसे कम क्षेत्र वाले जिले। तो दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और ऐसा कौन सा है कि जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। हमें ऐसे जिलों की पहचान करनी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा किसका है, चमोली का है, और सबसे छोटा किसका है, चंपावत का है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्यों को निम्न जनपदों में सही है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के घटते क्षेत्रफल, और कभी कभी इसको क्या है अवरोह भी आ सकता है। जब घटता क्रम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अवरोह क्रम कहा जाता है। और जब बढ़ता हुआ क्रम हो, जैसे 1, 2, 3, 4, जब इस प्रकार से होता है 3, 4, जब इस प्रकार से लिखा जाता है कि पहले छोटा फिर बड़ा, तो उसे क्या कहा जाता है, आरोह क्रम कहा जाता है। और जब हम क्या है घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे अवरोह कहा जाता है। तो कभी कभी दोस्तों हम पेपर में यही छोटी गलतियां कर देते हैं और जिससे कि सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी है, और उसके बाद पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी, पौड़ी के बाद नैनीताल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 37, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। दोस्तों लोकसभा की तो कितनी, 5 सीटें हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा श्री सुरजीत सिंह बरनाला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, पंचायतों में महिलाओं की कितनी प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं। तो दोस्तों पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा 50%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 40, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40, राज्य सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा कि SC के लिए कितना परसेंट है, 19%, और ST के लिए 4%, और अगर हम बात करें OBC के लिए तो OBC के लिए दोस्तों 14% आरक्षण दिया गया है उत्तराखंड राज्य में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 42, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना, 5%, और अगर हम बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की तो 4%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 43, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब बने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा 1997। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 44, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। दोस्तों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जिनमें सर्वाधिक गांव हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी में सर्वाधिक गांव हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 45,
गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो दोस्तों गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 46, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 1874। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चमोली की दे रखा है यहाँ पे मोहरी, और जबकि मोहरी किसकी होने वाली है? उत्तरकाशी की होने वाली है, उत्तरकाशी। दोस्तों उत्तरकाशी भी हमने गलत लिख दिया है, उत्तरकाशी। तो मोरी जो तहसील है वो किसकी होने वाली है? उत्तरकाशी की होने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्न जिलों वो ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार और गरुड़ क्या है आपस में सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो प्रश्न नंबर 49, निम्न जिलों में है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला? तो दोस्तों निम्न जिलों में क्या हमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना है, और यही प्रश्न हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो दोस्तों चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो दोस्तों हरिद्वार का इन जिलों में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न है, निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती मार्गरेट हलवा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।